अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हसन सिद्दीक, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और सीन ये है कि छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म, 10 दिन गुजर चुके हैं और रेनोवेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई रेस्टोरेंट की, लेकिन मैं आउटडोर स्टार्ट करूंगा आज से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए, इससे ज़्यादा हम बंद नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो रेनोवेशन चलती रहेगी अपनी, इंडोर डाइनिंग में जो है हमारी रेनोवेशन रहती है, 4-5 दिन मेरे हिसाब से और लग जाएगा, कोशिश है कि जल्द से जल्द हो जाए। तो अभी वहाँ जाएंगे, चेक करेंगे काम कहाँ तक पहुँचा, और आज जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, कुछ नई चीज़ें लॉन्च करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ पॉकेट फ्रेंडली मेन्यू एक लेकर आएँ जो लोग इजीली अफोर्ड कर सकें, क्योंकि हर चीज़ की प्राइजेज जो हैं बहुत बढ़ गई हैं। तो अब आज से जो है एक नया स्टार्ट लेना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि इसको वहाँ तक ले जाएं जहाँ कोरोना से पहले हमने इसको छोड़ा था। अभी भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन रेनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और कस्टमर सर्विस हमारी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। तो आज चलते हैं 7 बजे से लेकर रात 11:30-12 बजे तक वहीं होंगे, क्योंकि 11:30 बंद करने का नोटिफिकेशन आ गया है कि 11:30 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे एनर्जी सेविंग करने के लिए। तो यह है कि अब चलते हैं और देखते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा, रेनोवेशन कहाँ तक पहुँची, और 7 बजे से हमारा रेस्टोरेंट आज स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा भाई, रेस्टोरेंट जो है हमारा ओपन हो गया है, और अभी जो है मैं जैसा मैंने आपको बताया था कि एक और तकरीबन बर्गर लॉन्च करने हमने नए, जो कि प्राइजेस जिनकी कम हो, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी उसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिंगर हमारा सबसे ज़्यादा चलता है, तो मैं एक जिंगर निकालना चाह रहा हूँ जो साइज़ में थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन टेस्ट और क्वालिटी वही रहेगी, और 250 की रेंज में हम इसको निकालेंगे। तो वो बनाते हैं और उसको ट्राई करते हैं ताकि आज फाइनलाइज करें, अगले 3 से 4 दिन में हम नई चीज़ें लॉन्च करें। अच्छा जी, ये बर्गर हमने रेडी कर लिया है, और इसका जो नाम मैंने सोचा वो सोचा है पॉकेट फ्रेंडली जिंगो बर्गर। इसकी प्राइस जो है वो 250 है। आज से बर्गर अवेलेबल है बर्गर नेक्स्ट पे, और जो है इसमें जो हमने चिकन डाली है विदाउट कोटिंग वो 80 ग्राम्स डाली है, उसके बाद कोटिंग हुई है। जो हमारे दूसरे बर्गर्स हैं उसमें चिकन होती है 100 to 110 ग्राम्स, इसमें है 80 ग्राम्स की चिकन होती है, और बन डॉन के 4 इंच का बन यूज़ कर रहे हैं। तो क्वालिटी में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, टेस्ट वही है, सब चीज़ें वही हैं, सिर्फ जो है हमने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके इसको प्राइस रेंज में लेकर आए हैं, 250 की प्राइस रेंज में लेकर आए हैं। इसको आज से जो है हम स्टार्ट करेंगे। पेज मेरा हैक हो चुका है तो उसमें मैं लगा नहीं सकता, तो जिसको भी ट्राई करना हो ये बर्गर नेक्स्ट पे आज से अवेलेबल है।